हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सूरज। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि Xiaomi ने अपना MIUI 9 वर्जन, ग्लोबल स्टेबल वर्जन कल डेट रिलीज कर रहा है। MIUI 9 वर्जन आपको आपके फ़ोन में मिल जाएगा। तो गाइस, मैं वो बताता हूँ कि वो किस किस फ़ोन में अभी फ़िलहाल दिया जा रहा है। गाइस, सबसे पहले आप ये जान लें कि MIUI 9 वर्जन की जो रिलीज डेट है वो है कल 3 नवंबर को। तो कल हो सकता है कि आपके फ़ोन में वो आपको मिल जाए। तो मैं बताता हूँ कि उस कौन कौन से फ़ोन में अभी फ़िलहाल वो दे रहे हैं। पहला जो आपको मिल रहा है वो Redmi Note 4 में मिल जाएगा, एंड Redmi MI Max 2 में मिल सकता है। मतलब जो अभी फ़िलहाल जो नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें तो सभी में है ये फीचर्स, सभी में ये कल आपको मिल जाएंगे डाउनलोड। गाइस, जो अब उनकी बात करते हैं जिनके अभी थोड़े ओल्ड मॉडल हो चुके हैं या उनके होने वाले हैं। तो गाइस, उनके लिए अभी फ़िलहाल अभी उसके लिए बनाया नहीं गया है, पर वो कहा ये जा रहा है कि नवंबर के आखिरी तक ये ऑलमोस्ट सभी के फ़ोन में अलाउ कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर के एंड तक ये आपको ग्लोबल स्टेबल वर्जन आपको आपके फ़ोन में आपको मिल जाए। गाइस, अब मैं इसके फीचर्स की बात कर लेता हूँ कि ये इसमें कौन कौन से फीचर्स एंड इसमें क्या क्वालिटी है या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो MIUI 9 वर्जन, ग्लोबल स्टेबल वर्जन जो है, इसके अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी एंड थीम्स एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी मिलेंगी। ओके गाइस, चलो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि गाइस, जब ये MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल वर्जन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इसके अंदर काफ़ी जो गेमिंग लवर है उनके लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट चलेगा। गाइस, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि गाइस, जैसे कि अभी आजकल फिलहाल कुछ कुछ फ़ोनों में बैटरीज की प्रॉब्लम हो रही है एक रेडमी से, तो जब ये ग्लोबल स्टेबल वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा तो बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस, बढ़ते हैं चौथे पॉइंट से। चौथा पॉइंट जो है इसका, जैसे कि अगर किसी के फ़ोन अभी फिलहाल गर्म हो रहे हैं तो जब ये ग्लोबल स्टेबल वर्जन आ जाएगा तो ये रेडमी जो जिस फोन में इंस्टॉल होगा उस फोन में वो गर्म नहीं होगा। गाइस, बढ़ते हैं इसमें एक क्विक स्टम मिलेगा जिसमें आप अपना वॉइस एक्सेस से अपने फ़ोन को एक्टिवेट कर सकेंगे। गाइस, ये इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं जो आपको कल के बाद आपको मिलेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, एंड पास में उसके बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।